हेलो फ्रेंड्स, semiromakitchen.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड का बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में एक टेबलस्पून देसी घी लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें आधा छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का भून लेंगे। अब इसमें मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको हल्का भून लेंगे। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियों में मैंने शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स और पत्ता गोभी डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़े से स्वीट कॉर्न डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और एक टेबल स्पून टमेटो सॉस डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मोजरेला चीज़ डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक ब्रेड लेंगे और इसको एक ग्लास की सहायता से कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड भी कट कर लेंगे। अब हम एक छोटी ग्लास लेंगे और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और इसको एक रिंग का आकार देंगे। इसी तरीके से हम सारी ब्रेड को तैयार कर लेंगे। अब हम इन सब पर बटर लगा लेंगे। बटर को हम दोनों तरफ लगाएंगे। अब हम एक तवा लेंगे और उसको हल्का गर्म कर लेंगे और इन पर इन ब्रेड को हम सेक लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, रिंग को हम दोनों तरफ से सेकेंगे। और इनको हमको एक ही तरफ से सेकना है। ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से सेक लिया है। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम ये गोल शेप वाला ब्रेड लेंगे और इसके सिके वाले पार्ट पर टमेटो सॉस लगा लेंगे। टमेटो सॉस आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब हम इस पर मोजरेला चीज़ रखेंगे। इस पर हम रिंग रखेंगे जिससे ये कैनोपी का शेप ले लेगी। अब हम इस पर स्टफिंग रखेंगे और इसको प्रेस करते हुए थोड़ा दबा देंगे। अब हम फिर इस पर मोजरेला चीज़ रखेंगे और थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो डालेंगे। ये लीजिए, हमारा ब्रेड कैनोपी तैयार हो गया है। अब हम इसको सेक लेंगे। इसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा बटर लगा लेंगे और इस पर इनको रख देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। पैन के ढक्कन को बंद करके इसको लो फ्लेम पर ही सेकना है। इसको हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। इनको हम क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। अब हम इनको चेक करेंगे। ये लीजिए, हमारा ब्रेड का टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। बाय।